अगर आपने बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ और टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ में अप्लाई किया और आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो डोंट वरी, घबराने की कोई बात नहीं। आने वाले दिनों में 7 ऐसे बम्पर आईपीओ आने वाले हैं। अगर आप इनके पेरेंट कंपनी में स्टॉक होल्ड कर रखेंगे तो आपको चांसेस ज्यादा है कि आपको इसका अलॉटमेंट मिल जाए। तो आपको बस इन पेरेंट कंपनियों में होल्ड बनाकर करके रखना है, जिससे कि चांसेस आपको बढ़ जाए अलॉटमेंट के। तो मैं आपको कंपनी के नाम कौन से आईपीओ आने वाले हैं और उसकी कंपनी के पेरेंट कंपनी कौन है वो बताने वाला हूँ, ताकि आपको पता रहे। तो अभी आने वाला आईपीओ है हीरो फिनकॉर्प, इसकी पेरेंट कंपनी हीरो। एनटीपीसी रिन्यूएबल, इसकी पेरेंट कंपनी एनटीपीसी। एचडीबी फाइनेंस सर्विसेज, इसकी पेरेंट कंपनी है एचडीएफसी बैंक। ओएनजीसी एनर्जी, इसकी पेरेंट कंपनी है ओएनजीसी। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, इसकी पेरेंट कंपनी है बैंक ऑफ बड़ौदा। कैनरा रोबियो, इसकी पेरेंट कंपनी कैनरा बैंक। और टाटा ईवी, इसकी पेरेंट कंपनी टाटा मोटर। अगर आप इन सारी पेरेंट कंपनियों में अपनी होल्डिंग बनाकर रखते हैं और जब इनमें से कोई भी आईपीओ लॉन्च होगा और आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको आईपीओ मिलने के चांसेस ज्यादा है, तो क्या ये बात आपको पता थी? नहीं ना, तो अभी कभी इस वीडियो को सेव कर लो, आपको फ्यूचर में काम आएगा। और आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो हमेशा आईपीओ में अप्लाई करते हैं और जिन्हें आईपीओ अलॉटमेंट